वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, काफ़ी महिलाएं और पुरुष गुटखा को खाते हैं, तंबाकू को चबाते हैं और सिगरेट को पीते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि गुटखा को खाने से, तंबाकू को चबाने से और सिगरेट को पीने से हमारे शरीर में क्या नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से भाइयों लंबे समय तक गुटखा को खाने से, तंबाकू को चबाने से और सिगरेट को पीने से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, हार्ट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं और भाइयों कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की लत को छुड़ाने का सही इलाज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, जो महिलाएं और पुरुष गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की लत को छोड़ना चाहते हैं, तो उनको भाइयों तुरंत ही निकोटेक्स गम लेना होता है। ये आपको 2 mg में लेना होता है। तो भाइयों, इसका प्रयोग करने से आपको जो गुटखा खाने की, तंबाकू को चबाने की और सिगरेट को पीने की जो इच्छा होती है वो आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो भाइयों, आपको जब भी गुटखा खाने की, तंबाकू को चबाने की और सिगरेट को पीने की इच्छा होती है, तो भाइयों आप इसमें से एक गम को निकालें और भाइयों आपको उसको चबाना होता है, जैसे चिंगम को चबाते हैं। तो भाइयों आप चबाते रहें और जब भी आपको इच्छा हो इसमें से एक गम निकालें और उसको चबाएं। भाइयों, उसको लगातार प्रयोग करेंगे तो आपको जो गुटखा खाने की, तंबाकू को चबाने की और सिगरेट को पीने की जो इच्छा होती है भाइयों पूरी तरह से आपकी ख़त्म हो जाए। भाइयों, इस दवा का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। आप जब चाहें जब इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं और जब चाहें जब आप इस दवा को बंद कर सकते हैं। तो भाइयों, आप थोड़ा परहेज भी करें, कुछ आपकी दवाई भी इच्छा को कम करेगी और कुछ आप भी अपने मन से उसको कम करें, तो भाइयों आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिल जाए। भाइयों, जो मैंने आपको इस वीडियो में दवा दिखाई है, आपको इसी नाम की दवा लेना है, किसी और कंपनी की आप दवा ना लें, अन्यथा आपको आराम नहीं मिलेगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं भाइयों मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।